ब्रेन स्टॉर्म, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है, दिमाग के अंदर तूफान बर्पा करना, ब्रेन प्लस स्टॉर्म, ठीक है। तो आप पहले दिन सोचेंगे कि कल मैंने जो जुमला लिखना है उसमें मैंने क्या लिखना है। अगले दिन आप जुमला लिखेंगे, उससे अगले दिन आप जुमलों का एक पैराग्राफ बनाएंगे, उससे अगले दिन आप उन पैराग्राफ्स का एक ऐसे बनाएंगे। तो जो मेरी फर्स्ट 12 क्लासेस होंगी वो सारी इसी प्रोसेस के ऊपर होंगी। अब मैं आपको शेड्यूल निकाल के दिखाता हूँ। शेड्यूल कहाँ गया भाई? चले हम व्हाट्सएप से निकाल लेते हैं। ये जी हमारे पास शेड्यूल आ गया। इसमें हम देख रहे हैं कि पहली क्लास जो है वो ओरिएंटेशन एंड डिस्कशन ऑफ पास्ट पेपर्स है, और सेकंड क्लास जो 31 अगस्त को है वो हाउ टू थिंक क्रिटिकली यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग की है। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ अपने दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाएंगे और सोचेंगे कि किसी एक टॉपिक पे लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हम ऐसा करेंगे कि जब पहली सेकंड क्लास होगी ना तो हम एक टॉपिक चूज कर लेंगे, अगली 12 क्लासेस पे हम उसी पे ऐसे लिखेंगे, यानी हम एक ऐसे लिखने में 12 दिन लगाएंगे, और 12 दिनों में भी आप सब लोग मिलकर एक ऐसे लिखेंगे, सिर्फ मैं एक ऐसे नहीं लिखूंगा, ठीक है। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास के अंदर भी हम सेंटेंस नहीं लिखेंगे, थर्ड क्लास के अंदर हम अपनी जो ब्रेनस्टॉर्मिंग की होगी उसको हम ग्रुप करेंगे कि ये इधर की चीज है, ये इधर की चीज है और ये इधर की चीज है। उसके बाद हम चौथी क्लास में जाकर अपने ही आइडियाज की एक आउटलाइन बनाएंगे। अभी भी हमने ऐसे नहीं लिखा, ठीक है, 4 क्लासेस हो जाएंगी हम ऐसे लिखना नहीं स्टार्ट करेंगे, हम सिर्फ सोचेंगे। अच्छा, उसके बाद 5th क्लास के अंदर हम बेसिक पैराग्राफ लिखना सीखेंगे, जिसके पहले दिन आपको सिखाया जाएगा कि आप एक सेंटेंस कैसे लिखेंगे, और दूसरे दिन ये सिखाया जाएगा कि आप एक पैराग्राफ कैसे लिखेंगे। उसके बाद फिर 7वीं क्लास में हम देखेंगे कि पैराग्राफ तो लिखना आ गया, इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे। फिर हम ये देखेंगे सजेशंस देनी हो तो वो कैसे देंगे। फिर लिखेंगे कंक्लूजन करना हो तो कैसे करेंगे। फिर हम देखेंगे कि ऐसे के लिए डेटा कहाँ से आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम अगले दिन एक ऐसे पूरा लिखेंगे जिसमें आप सब लोग मिलके एक एक पैराग्राफ लिखेंगे और वो टोटल पूरा ऐसे हो जाएगा। और उसके बाद हम अगले दिन दोबारा से एक ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये 12 क्लासेस के अंदर हम टोटल 3 ऐसेज लिख लेंगे मिलजुल कर, और लिखना सीख लेंगे, ठीक है। मैं आपकी गलतियां निकालता जाऊंगा, आप गलतियों को नोट करते जाएंगे, तो इस तरह से ये 3 मुकम्मल एसेज जो हैं वो 12 क्लासेस के अंदर आप लोगों के हो जाएंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि 12 के बाद क्लासेस खत्म हो जाएंगी। हम इस तरह से जूम मीटिंग में कम मिला करेंगे, लेकिन डेली बेसिस पे मैं आपको होमवर्क दूंगा और आप उसको सबमिट करवाएंगे और मैं उसे चेक करूंगा। मैं चेक करने के बाद व्हाट्सएप वॉइस नोट या व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू बताऊंगा कि आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है, आपकी ये गलती है। इसमें हम ये करेंगे कि हर हफ्ते एक ऐसे लिखा करेंगे, उसके पहले 3 दिन जो है वो आप लोग थोड़ा थोड़ा करके ऐसे जमा करवाएंगे, और चौथे दिन मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा।
मे बी हम जूम क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया करें, या हम व्हाट्सएप वॉइस नोट के ऊपर सारी चीजें मैं आपको बता दिया करूँ, ठीक है। इसी तरह फिर हम अगले हफ्ते एक और ऐसे लिखेंगे, फिर एक और फिर एक और, टोटल हम 6 या 7 ऐसे लिख लेंगे और उसके ऊपर डिस्कस कर लेंगे, उसकी सारी गलतियां डिस्कस कर लेंगे, ये बता देंगे कि उसके लिए डेटा कहाँ से आना है, मटेरियल कैसे इकट्ठे करें, ठीक है। और आप लोग क्योंकि अलग अलग ऐसे लिख रहे होंगे तो मे बी ऐसा हो कि हम 24-25 डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर ऐसे लिख लें बाय द एंड ऑफ द क्लास। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आप लोग एक्स्ट्रा मटेरियल इकट्ठा नहीं करना पड़ेगा। फर्ज करें राशिद मुगल जो हैं वो अगर एक ऐसे लिख लेते हैं सी पैक के ऊपर, और महक जो हैं वो ऐसे लिख लेती हैं एनवायरनमेंट के ऊपर, तो महक को एनवायरनमेंट का डेटा राशिद दे देंगे और राशिद को सी पैक का डेटा महक दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग एक ऐसे जो है उसको मतलब मुख्तलिफ लोग मिलकर एक ऐसे लिखेंगे, मटेरियल इकट्ठा करना आसान होगा और बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपके पास 24-25 डिफरेंट ऐसेज जो हैं वो अवेलेबल होंगे, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमारा तरीकाकार होगा। इसमें आपके लिए यही है कि सिर्फ सेशन ही कुछ नहीं है, सेशन से आप बिल्कुल भी पास नहीं होंगे, आप पास तब होंगे जब आप एक गलतियों की लिस्ट बनाएं, दूसरा डेली का होमवर्क करें, और तीसरा यह है कि दूसरों का किया हुआ काम देखें, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों का किया हुआ काम देखें, ताकि जो गलतियां उन्होंने की हैं वो आप ना करें और जो मेहनत उन्होंने की है वो आपको ना करनी पड़े। तो आप सब लोग जो हैं, जो 30-35 लोग हैं, आप सब लोग इस सेशन के एंड पे दोस्त बन जाएंगे और होपफुली बाकी सब्जेक्ट्स में भी शेयर करेंगे। मैं 24 hours व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहूंगा और आपके किसी भी मैसेज, किसी भी क्वेरी का जवाब जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर दूंगा जैसे ही मैं फ्री होऊंगा। 24 hours से ज्यादा आपका जो है रिप्लाई वो लेट नहीं होगा, ठीक है। आप लोग पर्सनल मैसेजेस में मुझे अप्रोच नहीं करेंगे, हम ग्रुप के अंदर ही सारी बातें करेंगे। उसके अलावा यह है कि आप लोग एक दूसरे की, जैसा कि सब लोग हर क्लास में होता है, आप लोगों पे बाइंडिंग होगा कि आप लोग इज्जत करें, किसी भी लड़की या किसी भी लड़के को कोई किसी से शिकायत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसी कोई शिकायत होगी तो हम लर्निंग प्रोसेस वहीं रोक देंगे और आपके लिए सेशन का एंड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जरूरी है कि आप लोग जो है वो अपनी बेहतरीन परवरिश और बेहतरीन मैनर्स का जो है वो मुजाहरा करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद ये है कि सारा काम जो होगा वो व्हाट्सएप के ऊपर होगा, ठीक है। आप सब लोग जो है अगर व्हाट्सएप चेंज करना हो तो आप लोग बता के चेंज करेंगे कि मैं व्हाट्सएप नंबर चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। सब लोगों को जो है वो सारी चीजें, सारे डॉक्यूमेंट्स, हर लिंक जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू जाएगा, पर्सनल मैसेजेस नहीं होंगे, ठीक हो गया। अच्छा राशिद मुगल साहब, आप काइंडली कैमरा ऑफ कर दीजिए, इस तरह बाकी भी डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद ये हो गया, आपका होमवर्क हो गया, हमारे नोट्स ऑनलाइन इस डॉक्स के ऊपर बन जाएंगे, ठीक है। हम लोग जो है मुख्तलिफ वेबसाइट्स का यूज करेंगे, हम लोग जो है वो मिलके पढ़ेंगे और मिलकर लिखेंगे, ठीक है, और आप सब लोग चीजें शेयर करेंगे। इधर तक तो मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम किस तरह से पढ़ेंगे, और मैं आपको बताता चलूं कि ये लिखना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अगर आप सोच सकते हैं तो आप लिख भी सकते हैं, ठीक है। आपके पास हर चीज़ के बारे में आइडियाज़ हैं, आप हर चीज़ लिख सकते हैं, आपने इस चीज़ को बिल्कुल परेशान नहीं होना कि आप लिख नहीं सकते, लेकिन आपने होमवर्क साथ साथ करना है। तो आप फील करेंगे कि 12 days के बाद आप बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखने के काबिल हो गए हैं, और उससे अगले मंथ के बाद आप जो है 24-25 एसेज का डेटा और हर चीज आपके पास आ चुकी है, ठीक है। और ये मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी, मेरी जिम्मेदारी ये होगी कि मैं आपको टॉपिक बताऊं, डेटा के सोर्सेज बताऊं और लिखना सिखाऊं। आप लोग होमवर्क करेंगे तो ही एसेज आएंगे, आप भी करेंगे दूसरे के लिए ऐसे आएंगे, दूसरा करेगा आपके लिए वो ऐसे आएगा, ठीक है। मैं अपना सैंपल ऐसे जो है वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करूंगा, ठीक है, और अपना सैंपल डेटा जो मैंने थोड़ा बहुत इकट्ठा किया होगा वो मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आप एक डेडिकेटेड जगह बना लेंगे व्हाट्सएप पे, इसके ऊपर आप सेव करते रहेंगे अपना डेटा, या उसे स्टार कर लें या लेबल कर लें, या एक अलहदा से अपने साथ ही एक ग्रुप बना लें जिसके अंदर सिर्फ आप हों और उसके अंदर वो डेटा रखते जाएं, ठीक है। बाकी सारा डेटा इस डॉक्स के नोट्स की फॉर्म में होगा, ठीक है जी। तो ये बेसिक्स इंट्रोडक्शन है।
ऐसे राइटिंग का कोर्स जो है वो सिर्फ आपके सीएसएस के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आपकी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको आज लिखना आ जाता है तो आपकी पूरी लाइफ में कभी भी कोई भी आपको तंग नहीं कर सकेगा। जब आपके पास राइटिंग का हथियार होगा तो किसी भी जॉब के ऊपर आप बेहतरीन वर्ड्स के साथ अपनी पोजीशन एक्सप्लेन कर सकेंगे। किसी भी फोरम के ऊपर आप अपने राइटिंग स्किल्स के साथ स्टैंड आउट कर जाया करेंगे। और इवन मैं आपको बताऊं कि सीएसएस करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जिनको राइटिंग का इशू होता है, ठीक है। उनकी राइटिंग के इशू की वजह से वो कागजों में, फाइल्स में, हर जगह बहुत ज़्यादा मार खाते हैं और बहुत परेशान रहते हैं, और अक्सर जो है वो उनकी वो लोग डिपेंडेंट हो जाते हैं उन लोगों पे जिनकी राइटिंग अच्छी हो। इसलिए आप अपने आप को सिर्फ सीएसएस की तैयारी ना करवाएं, आप अपने लिए लाइफ की तैयारी करवाएं अपने आप को कि आपकी इंग्लिश राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। आप अपनी सोच को बेहतरीन वर्ड्स के अंदर एक्सप्रेस कर सकें तो आप लोग जो है वो अच्छी राइटिंग के साथ चलेंगे। अच्छा, अभी ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया, बाकी बातें साथ साथ चलती रहेंगी। अभी हम जो है वो एक एक करके आप सब लोगों से गपशप करते हैं और आप लोगों का इंट्रोडक्शन करते हैं, उसके बाद फिर हम पास्ट पेपर्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं ये जो शेयर्ड स्क्रीन है इसे ऑफ करता हूँ। शेयर्ड स्क्रीन कहाँ से ऑफ होगी? भाई मैंने अरसे बाद जूम स्टार्ट किया है यूज करना और अब मुझे मुश्किल हो रही है। स्टॉप शेयरिंग। ले जी, हम स्क्रीन को शेयर करना बंद कर चुके हैं। अच्छा जी, अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवाना। जी हमारे साथ इब्रार अहमद हैं। इब्रार अहमद, आप अपना नाम तो आपका इब्रार अहमद है, आप अपनी डिग्री, यूनिवर्सिटी और सीएसएस की अटेम्प्ट कौन सी है ये बताएं, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, मैंने यूटी पिशावर अभी यूटी पिशावर से क्या किया आपने? यूटी पिशावर से सर सिविल इंजीनियरिंग की है। सही। और आपकी सीएसएस की सिविल इंजीनियरिंग? सर सिविल इंजीनियरिंग। जी आपकी सीएसएस की पहली अटेम्प्ट है? यस सर। सही, मैंने यूटी लाहौर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर फर्स्ट अटेम्प्ट है। जी ठीक। अब आसिया आप बताएं, आप कहाँ से हैं और आपने क्या पढ़ा है और आपकी कौन सी अटेम्प्ट है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है और मैंने मेरी डिग्री एमएससी केमिस्ट्री है। कहाँ से? यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। और आप कराची से ही हैं? जी। ठीक, थैंक यू आसिया। अच्छा अब्दुल हादी, आप बताएं जरा। अब्दुल हादी आपको आवाज आ रही? अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर। जी अब्दुल हादी कहाँ से पढ़े हैं आप? सर मैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर से बीएस कैम किया हुआ है। और फर्स्ट अटेम्प्ट है। और आप कहाँ से हैं? सर मैं लहिया से हूँ। लहिया से, ठीक है जी। अकरम आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी क्या डिग्री है और आप कौन सी अटेम्प्ट है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बीबी आनर्स मुल्तान से। और आप कहाँ से हैं?
मुल्तान से सर। मुल्तान से ही है। अमजद आप बताएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा ताल्लुक स्वात से है और मैंने बीएससी की है केमिस्ट्री में सर, पेशावर यूनिवर्सिटी से। सही, ठीक है। अमजद स्वात में कहाँ से हैं आप? सर मैं स्वात से करीब एक डिस्ट्रिक्ट है शांगलाई, वहाँ से सर। अच्छा ठीक, थैंक यू। अच्छा जी अनस आप बताइए। अनस शेख जी। सर सर मैं फैसलाबाद से और इधर लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में बीएस कंप्लीट किया इसी साल। अच्छा, और आपकी फर्स्ट अटेम्प्ट है? अच्छा, आई थिंक अनस का इंटरनेट जो है वो ठीक नहीं है। असद हसैन आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपने कौन सी डिग्री की है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है नस्ट से, और सर बेसिकली तो लाहौर से, लेकिन अभी मैं सर जॉब कर रहा हूँ इस्लामाबाद में। और सर ये मेरी सेकेंड अटेम्प्ट होगी। 2020 की मेरी फर्स्ट टर्म थी, उसमें अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ऐसे रह गया था मेरा 23 मार्क्स थे सर मेरे। असद कहाँ जॉब करते हैं आप? सर ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट सर, ये मिनिस्ट्री ऑफ ओवरसीज पाकिस्तान के अंदर। गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं? जी सर गवर्नमेंट जॉब है। अच्छा ठीक है, थैंक यू असद। दानिश अली चीमा साहब आप बताइए, आप कहाँ से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैं इस्लामाबाद से हूँ, कादर आजम यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस की है और मेरी ये सेकंड अटेम्प्ट है। आप जॉब कर रहे हैं? नो सर, बिजनेस। बिजनेस कर रहे हैं? जी सर। ठीक, और ठीक है, थैंक यू दानिश। किरण आप बताइए, आप कहाँ से हैं और आपकी कौन सी डिग्री है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, मैं मियांवाली से हूँ और मैंने एमएससी जूलॉजी की है और सर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। सही, कोलकाता यूनिवर्सिटी से की है। ठीक, थैंक यू। महक आप बताइए। महक आपको आवाज आ रही? अच्छा, जुनेद खालिद आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम फ्रॉम बेसिकली फैसलाबाद, तो मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है नस्ट इस्लामाबाद से, मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट है। और आप जॉब कर रहे हैं? सर एक कर रहा था, अभी रिसेंटली छोड़ी है। सही, ठीक। जुनेद फैसलाबाद में कहाँ से हैं आप? अच्छा, हारिस अख्तर आप बताइए, हारिस खटक अपने इंट्रोडक्शन करवाइए। हेलो, अच्छा जी जुबैर फैज आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। Sir, I am from Peshawar and I have done my bachelor's in civil engineering from UT Peshawar and it's gonna be my first attempt, inshallah. ठीक, inshallah first attempt में ही अभी चले जाएं। नीलम नियाज आप अपना introduction करवाइए। नीलम आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो हेलो जी। नीलम आप चैट में इंट्रोडक्शन लिख दीजिए अपना।
महक आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो महक, हेलो। अच्छा जी महक, आप अपना इंट्रोडक्शन चैट में करवा दीजिए या चलें आगे या चलें ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन करवा दीजिए। हेलो अच्छा जी महक की तो आवाज नहीं आ रही, महक चैट में लिख दीजिए फिर आप। अच्छा अमजद अली आप अपना इंट्रोडक्शन करवाइए। हेलो अच्छा जी अमजद भी नहीं बोल रहे, नीलम नियाज अपना इंट्रोडक्शन करवा रही हैं जी कि ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग से हैं, ठीक है, यूटी टेक्सला और 2022 में अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही हैं, ठीक है जी। ठीक है अभी हम ऐसा करते हैं कि हम 5 मिनट्स ब्रेक करते हैं, उसके बाद हम दोबारा से इधर आएंगे और हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करेंगे और थोड़ा सा पढ़ने के बाद हम बाकी लोगों का इंट्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। 5 मिनट्स बाद में मीटिंग का लिंक आप लोगों को भेजता हूँ। महक इम्तियाज ने अपना इंट्रोडक्शन करवाया है जी, ये KCW से LLB किया है इन्होंने और अब लाहौर से हैं और अपनी फर्स्ट अटेम्प्ट दे रही हैं, ठीक है जी। चले हम दोबारा इकट्ठे होते हैं 7:45 पे, जिन लोगों ने नमाज का कहा है मैसेजेस में वो लोग नमाज पढ़ लें और उसके बाद हम दोबारा इकट्ठे होंगे उसी ग्रुप के अंदर, आपको मैसेज करूंगा लिंक का और आप वापस आएंगे, उसके बाद हम पास्ट पेपर्स का एनालिसिस करते हैं।